नमस्कार दोस्तों, गूगल पे में जो है 0 रुपया दिखा रहा है, जबकि हम 2 दिन पहले अपने अकाउंट का बैलेंस चेक किए थे तो हमें 5000 रुपया जो है दिखा रहा था। अब हम इसे देख कर जो है काफ़ी घबरा गए थे, टेंशन में भी हो गए थे कि हमारा गूगल पे का पैसा जो है चोरी हो चुका है। अब हमारा गूगल पे का पैसा, कटा हुआ पैसा वापस आ पाएगा या नहीं पाएगा, हम पूरी तरीके से जो है टेंशन हो चुके थे भाई। 5000 रुपया का जो है बात है, तो हमने देखिए गूगल पे से जो है किसी को जो है पैसा नहीं भेजे हुए थे। जब हमने गूगल पे में यहाँ से जो है ट्रांजेक्शन चेक किए तो यहाँ देखिए एक भी ट्रांजेक्शन जो है 5000 का जो है नहीं बताया जा रहा है। हमारा अकाउंट में जो है 0 रुपया दिखा रहा है, 5000 रुपया का जो है बात। हमारा पैसा गया तो गया कहाँ, इसे लेकर जो हम काफ़ी टेंशन हो चुके हैं। जबकि हमारा SBI में अकाउंट है, हम SBI का योनो ऐप जो है नहीं चलाते हैं, या अगर योनो ऐप चलाते तो अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल कर जो है हम चेक कर लेते हैं वहीं से कि हमारा SBI का पैसा जो है, अकाउंट का बैलेंस जो है कब कब कहाँ कहाँ कटा हुआ है। तो अब और हम टेंशन में जो है हो चुके हैं, हमारा पैसा गया तो गया कहाँ, अब हमारा पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा भाई, 5000 रुपये का तो जो बात है। तो अब हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि हमने भाई इंश्योरेंस भी नहीं करवाए हुए हैं, लोन भी नहीं लिए हुए हैं, तो आखिर हमारा गूगल पे में जो है सर्विस चार्ज के नाम पर जो है इतना रुपया भी नहीं काटा जा सकता है। तो हमने गूगल पे भी से जो है कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि आपका पैसा जो है यहाँ से भी नहीं कटा हुआ। तो अब भाई हम पूरी तरीके से जो है परेशान हो चुके हैं कि हमारा 5000 रुपया जो है गया तो गया कहाँ, आखिर हमारे अकाउंट से 5000 रुपया जो है कट चुका है। अब आइए, आपका भी अगर यही प्रॉब्लम है, आपके अकाउंट में जो है 0 रुपया दिखा रहा है जबकि अकाउंट में आपके पहले पैसा था, तो कटा हुआ पैसा को जो है कैसे वापस लाया जाता है, 100% आपका पैसा जो है वापस आ जाएगा। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना होगा। सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बार्मा टेक। चैनल बनाया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ ऐसा पहले जो है हो चुका है, इसलिए जो जो हम कर रहे हैं आपको वैसा ही जो है करना है, इसके आपका पैसा जो है आसानी से आपका अकाउंट में आ जाएगा। एक दिमाग में मेरा आइडिया आया कि हम क्यों ना जो है अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर जो है कॉल करके पूछते हैं कि हमारा पैसा जो है गया कहाँ, 0 रुपया क्यों दिखा रहा है हमारे गूगल पे में चेक करने पर। हमारा SBI में अकाउंट है, तो हम अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किए। कॉल कर देने के बाद हम अपना अकाउंट नंबर जो है बताएं। अकाउंट नंबर बताने के बाद कुछ टाइम जो हमें होल्ड पर रखा गया, होल्ड पर रख देने के बाद वहाँ पर बताया गया कि आपके अकाउंट में जो है होल्ड लग चुका है। होल्ड लगने के कारण आपके अकाउंट में पैसा आ नहीं सकता है कहीं से, इसके बाद आप अपने अकाउंट का पैसा जो है नहीं निकाल सकते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में इसलिए होल्ड लगाया गया है क्योंकि आपके KYC चलते हैं, आपको जो है KYC कराना होगा। आपको बैंक में जाकर जो है KYC कराइए। KYC कराने के बाद जो भी आपका पैसा कटा हुआ है वो आसानी से आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिया जाएगा, वापस आ जाएगा। तो हमने बोला कि KYC ऑनलाइन नहीं हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि आपको KYC कराने के लिए जो है आपको बैंक में जाना होता है। हमने देखिए बैंक में गए, KYC कराने के बाद 24 घंटे के अंदर जो हमारा पैसा जो है हम गूगल पे में चेक कर रहे हैं, तो हमारा 5000 रुपये जो है कटा हुआ था, तो पैसा आसानी से वापस आ चुका है। तो अगर इंश्योरेंस का पैसा हो या लोन का पैसा हो या किसी बैंक का अगर सर्विस चार्ज है कटा हुआ, जैसे कि ATM चार्ज, वो कटा हुआ पैसा जो है वापस नहीं आता है। लेकिन आपके मन में कोई भी एक डाउट चल रहा होगा या वीडियो नहीं समझ में आया होगा, एक नीचे हमें प्यारा सा कॉमेंट करके जो है बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा।